बॉलिंग खड़ी टीम इसलम नाड़ी ना पाता कर रहे हाफ टाइम सांता के नेट विकास नवा सेकंड गोलों का धक्का 14-14 बैक मिस किक का खो आरंभ हो चुका है ये क्वार्टर फाइनल का मैच जो भी टीम जीतेंगे सेमी में जरूर जगह बनाएंगे कमरबा साहब सी फिलहाल एक अच्छा मैच आज कमरबा साहब सी के नाम से खेले हैं वहीं बात करें टीम है आर्मी एफसी और कहीं ना कहीं माजी मातो भाई भाई मंच के लेफ्ट साइड को दावन थामे हैं डीसी चंडीर के तमाम खिलाड़ी हैं मैं तमाम दर्शकों को भी याद करा दूं दो ही टीमें के स्टाफ वाली टीम है और इस खेल में भी चाचा श्री पहला गोलदाता को 200 रुपया देंगे सम्मानित करेंगे मोहम्मद अली चाचा तो फिलहाल मनोज बहुत ही सुंदर दो ही टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है दोहे में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का समावेश हुआ है जो भी टीम जीतेंगे प्राज की जंग को यहाँ पे छड़ी जाएगी जा रही है टीम है प्रकाश गगराई इस बार राजू के लिए गेंद डाले गए थे इस बार ठाकुर किसको गेंद छोड़े विकास के लिए कोई पिकअप मौजूद नहीं आकाशन के साथ जीतें लोहार गेंद को एक्सेप्ट करते हुए अपने ग्लोब समय बहुत ही बड़ा मैच खेला जा रहा है टीम के लिए और देखना ये सच रहेगा क्या इस बच्चे को जिस समय में स्कोर देखने को मिल सकता है क्या और भी देखिए बात हो गई पिछला मैच में जिस प्रकार की स्कोर देखने को मिला था एक एक के बराबरी के साथ साथ मैच को टाईब्रेकर तक जाना पड़ा था इस बार राजू मंकिरा बॉल के साथ आगे बढ़ने क्रम में समीर के लिए समीर को कमाल का मैच खेल लेते हैं अपने टीम के लिए ठीक है बहुत इतने में सफल रहे इस बार प्रकाश यादव सामान के लिए हो किसी तरह यादव तो चलिए यहाँ पर जो समय फर्स्ट हाफ के लिए दिया जाता है रंजीत संभाले हुए हैं मिडिल मैच रेफरी के रूप में उनकी किरदार हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे छोटा सा पास माजी मातो भाई भाई जाता हुआ लेफ्ट डिफेंडर गेंद को लंबा पास खेलते हुए हेडर किए मुख्य डिफेंडर कमरबासा से गेंद टप्पा खाकर जर्सी नंबर 24 के कदमों से गेंद निकलता हुआ नजर आ रहा था लेकिन छिंदे में सफल रहे जर्सी नंबर 12 माजी मातो भाई भाई छोटा सा पास जर्सी नंबर 13 जो कि विदेशी मूल के खिलाड़ी के रूप में खुद को ढाले हुए हैं और एक बार पुनः एक अच्छा यहाँ पे गेंद के साथ जादव समर्थ एक अच्छे मिडफील्डर के रूप में जाने जाते हैं और अब तक उन्हीं के ही पास ये गेंद नजर आ रही है लेफ्ट पैर के सहारे गेंद को एक बेकार गेंद के रूप में जहां पर उनके सफल होते हुए अब तक सफलता का कगार में पहुंचते हुए लेकिन फिर से गेंद जा बैठी हमारे मुख्य मंच स्थल के टच लाइन से बाहर सुनील लोहार सामने थे लगातार बार बार आपको मैदान में इनकर आधे घंटे से जूझना आपके पास आपकी एनर्जी आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से जो है पूरी तरह से आप सुदृढ़ और इस दृढ़ता को आप अपने खेमे में अपने जहन में रखकर जब खेल को विस्तार करते हुए नजर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी फुटबॉल खेल के प्रति आपका समर्पण का भावना ही आपको मध्यम के रूप में आगे के लिए प्रेरित करेगी जैसे नंबर 11 विकास सामने है जदव समड निहार रहे हैं विकास में कहा दो लेकिन लंबा पास एक बेकार मिस पास के रूप में और फिलहाल जैसे नंबर 24 कमरबासा टीम के खेमे में थोड़ा सा वक्त लेने में उचित समझा जा रहा है गेंद को निकालते हुए दयंत महतो इस बार सुनील लेकिन विकास गेंद को जरूर छोड़े थे ठाकुर के लिए और अच्छी गेंद यहाँ पर रिलीज किए और कमाल का मैच को यहाँ पे खेला जा रहा है वही बात करें कमाल साहब से खिलाड़ी
और डिफेंस सेट का अच्छी क्लियरेंस आता हुआ। तो वही इनसे जो इस तरह के से काउंटर देखने को मिल रहा है, दोहर टीम एक अच्छा मैच को दर्शा रहे हैं और कमाल का मैच देखने को मिल रहा है दोहर टीम के लिए। धीरे धीरे अच्छा मैच को दर्शा रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था अर्जुन बिला बनावा डीजे बुरू हो, जिनमें से ट्राई बैक के सहारे डीजे बुरू हो ने अपने सेमी में जगह जरूर बनाए और एक अच्छी कोशिश रहा है। और सेमीफाइनल के खेलने के लिए डीजे बुरू हो बनावा अजनबी एफसी आप तैयारी के साथ साथ मंच के समय चले आएंगे। बहुत ही बड़ा मुकाबला है दोनों टीम के लिए, अच्छी कोशिश हम लोग कर सकते हैं। इस वक्त फिलहाल राम प्रसाद गेंद छोड़े हैं फिलहाल राजू बांकिरा के लिए, इस बार प्रकाश साथी कुमारी का सफल जश्न प्रसाद। जश्न प्रसाद की बात करें तो मिस्टर मुन्ना हमारा टीम में सौवेश हैं, दूर से ही प्रयास कोई भी कब मौजूद नहीं और गेंद अभी भी लुढ़कती हुई सिंधु। कमाल का मैच खेल लेते हैं अपनी टीम के लिए और इस टीमों में बंगाल से भी बहुत सारे खिलाड़ी सौवेश हैं। विकास की बात करें पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हैं और फिलहाल लालू और अच्छी गेंद विकास के लिए गेंद सरकाए हैं और क्या है विकास नायक साथी को बॉलिंग करने में सफल, बट कोई विकल्प मौजूद नहीं है और फिलहाल इस बार बॉल जीतने के क्रम में साथी को बॉलिंग करने में क्या ही सफल हो पाएंगे, जी नहीं कोई विकल्प मौजूद नहीं। अच्छा मैच को दो टीमों ने दर्शा रहे हैं, सुनील लोहार फिलहाल विकास आस्था के लिए गेंद छीनने में सफल इस बार कमर आसा बट जयंत के रन आता हुआ। जयंत महतो ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बंडा मुंडा के तमाम स्टार से भरी हुई टीम, लेकिन लालू टूडू आज टीम में कमाल धमाल मचा रहे हैं बट आज थोड़ा सा चल नहीं पा रहे हैं। एक अच्छा मैच को दोनों टीमों ने दर्शा रहे हैं और जी हाँ इस चलती हुई मैच के बाद दोनों टीमों को आना है, आप लोग भी चलेंगे इस मैच के बाद आपको खेलना होगा। फिलहाल समीर बॉल जीतने में सफल नहीं हो पाए, इस बार यादव और पेनी गेंद समझ से बाहर बहुत ही सुंदर तालमेल का मुजरा दर्शक काफी उतावले हो रहे हैं इस मैच को देखे। ऐसा रहा है किसी जब जब मौके मिले तो हर टीमों को इस मौके का टीम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं फिलहाल एक मौका पड़ता हुआ इस बार राजू समीर के लिए। समीर को लेट टाइम, हाँ इस तरह का अगर खेल को अंजाम देते तो क्या कहना चाहेंगे ओपनर जी, भाई काफी इंप्रेस हूं दोनों टीम को देखते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बात की सुजीत भाई, खेल दोनों टीम ने अच्छा खेल रहे, शॉटिंग के मामले में जहां तक बात करें पोस्ट में शॉटिंग नहीं ले रहे, ये कमियां दोनों टीम के खेल में देखने को मिल रहा है। तारीफ करना चाहूंगा डिफेंडर को जिस अंदाज में पर वॉल बना रहे हैं, बिल्कुल वॉल को भेजने में सफल नहीं हो पाए हैं और लगातार दोनों टीम ने अच्छे प्रयास दिखाए हैं। इस बार सुनील लोहार बॉल के साथ आगमन क्रम में गेंद रिलीज किए लेकिन डिफेंडर की काफी प्रशंसा करनी होगी वही कवर भाषा की और गेंद में काफी सुनील लोहार लेकिन सुनील लोहार की काफी उछाल भर गेंद और कहने के हर टीम पूरे चावल का पाटा रहे जहां टीम मेजर को नुकत को ही करना कमरवा साहब सी टीम रे आर्मी एफसी टीम रे खड़ी टीम रे सलाम ना सेलेन मना को टीम रे कुछ एरिया रे नपा नपा खड़ को टीम रे सेलेन मना को चादोसुर पटारे रिमिल रूम जर्सी रे जहां टीम मजल को माझी मातो डीसी चांडिल चांडिल एरिया साउथ इजुक टाटा एरिया रे
इन्हें सौंसौते ओडिशा और बंगाल की खड़ी टीम इसलिए नाड़ी ने पाई तहकर हाफ टाइम सांत के नेट विकास नवासे की गोलों का ढाका चौदह चौदह बेंगड़ा बहायन ढाका सिंह सागर तेके बेंगड़ा मत जोयन मनोज बाबू खेलने तो न तो का हफ्ते मारे हफ्ते में साथ के अड़ी के नपाई विकास नडकिन गोल का विकास भर कर सामने लाए और हमारे इस मैदान में एक सुंदर गोल मारे चलिए लक्ष्मण सादात बिरजिसम एरी के एक स्टार खड़ी के रूम में इनको जाना जाता है कलकत्ता लीग भी ये खेले हैं फिर से शानदार शॉट लेकिन जानदार बचाव पर गोलकीपर जहां तक बात कह जाए यहाँ पर जीते लोहार के द्वारा अड्डी के उरी के शूटिंग लेने लक्ष्मण साधार मन का नपा से किन बचाव का गोल के बार जीते लोहार जा गोलिन जोमा का गोलिन जोमा का गोल दोने गिन जोम जस्ते की जिद जोम बड़ा सनिया होटल को सही चला लड्डू को पकोड़ किन जोमा मन का गोल दोने गिन जोम कोड़ी के घमागुड़ खिलाड़ी नेड़े चला करा जहां तेरे के दुकान को ना बोन अगु या रोड खोल के चुक फारा करे के दुकान दोनों बोन बैसो आ जाते जो सुन रहे जहां एटकट में आलोगी चलिए अहमद अली चाचा का 200 रुपये का ऑफर को यहां पर विकास नायक अपने नाम करता हुआ अगर यहां पर वापसी करेंगे बराबर का गोल दागेंगे पर जहां तक बात के कमर बसा के खड़े तो 300 रुपये की नाम अली चाचा के वर्ष तो फिलहाल अपन थ्रो इन का मौका इस बीच माझी मातो भाई भाई टीम के पक्ष में माझी मातो भाई भाई ये संदेश देता हुआ टीम के मैनेजर टीम के कप्तान की हम लोग एक है एकजुट है भारत के सभी समुदाय के लोग हम लोग एक है इस बात को भी हम सबको याद रखना होगा जब हमारा देश 250 साल से भी ज्यादा ब्रिटिश शाजा गुलामी था सभी समुदाय के लोग सभी लोग हम लोग मिलजुल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ फिलहाल मैच की अगर बात करिए कांटे का टक्कर यहाँ पर माझी मातो भाई भाई फिलहाल एक अच्छा मौका कॉर्नर के रूम में किरण ठाकुर देवा मुर्मू वेस्ट बंगाल के स्टार खड़ी बोल का के डाले हैं मौका बन सकता है फिर से पर विकास नायक के लिए अभी भी विकास अच्छी जगह पर सुनील के लिए बोल मौका बन सकता है लेकिन चेरिये जहां एक और सुनील लोहार दूसरे और जीतेल लोहार दो भाई के बीच अपर कांटे का टक्कर दमदार शॉट लेकिन दमदार बचाओ और चल इस बीच यहां पर कांटे का मौका वाला धीरे धीरे बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ कमर बसा के खाड़ी अनुभवी खाड़ी पर मौजूद है 17 नंबर जिसमें समीर को बहुत ही बड़ा भवन खाड़ी है कुचाई एरिए के एक नामचीन खिलाड़ी के रूम में को जाना जाता है यादव मौजूद है टीम का रीड माना जाता है क्या टीम को वापसी करा पाएंगे देखना होगा फिर से विकास बल्कि सुनील के लिए लक्ष्मण के लिए मौका क्रॉस बार में बॉल टकराया लेकिन आलम चिंता है लेकिन आलम चिंता है डिफेंडर का बहुत ही शानदार बचाव कांटे का टक्कर फिर से 12 नंबर पहला राउंड के मैच में एक कमाल का गोल मारे थे अपर राम प्रसाद सरदार ने सामद ने अभी अपर कमर बसा की खड़ी बोल का बढ़ने का कोशिश में है धीरे धीरे अपर अगला मैच के रात राम हास्ता की टीम अब तक के गोल शागे हैं फिलहाल दिखने वाली बात है अपर कमर बसी टीम के जो मैनेजर है डीके महतो एक अच्छे फाइनेंसर के रूप में जाने जाते हैं काफी दूर से कुचाई एरिया से टीम को लाए हैं और अच्छी क्रॉस खाड़ी मौजूद है लेकिन अपन लुढ़कते बॉल को कंट्रोल करना नाकाम रहा गोल डिफेंडर के पैरों से होता हुआ जैसे नंबर 7 पुनः एक बार लेफ्ट डिफेंडर लेकिन उनकी ये भूल कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस टीम को परेशानी का रूपरेखा के रूप में कहीं डालना दे सेंटर लाइन के आमने सामने और ये गेंद जर्सी नंबर 9 कमर बसा से गेंद को धीरे से सरकाते हुए
लेकिन यहाँ पर बाजी मारते हुए सफल की ओर बढ़ेंगे शायद नहीं, सामने थे 9 नंबर के खिलाड़ी और उनके द्वारा भी ये भूल। रंजीत सवैया सूझबूझ का परिचय और वो पूरी तरह से इनकी जो कार्य प्रणाली है उन पे नजर को अपनी बनाए हुए हैं, कभी भी वो दिग्भ्रमित नहीं होंगे, उनको गुमराह कर पाना मुश्किल है क्योंकि ये भी अपने अनुभव को लेकर के दिवाली के कई फटाके जो कि फोड़ चुके हैं हमारे चाईबासा के एसोसिएशन ग्राउंड में। बिल्कुल आपने सही फरमाया और फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा मौका वापसी करने के लिए कमारबासा टीम के खड़े को कुछ जाए के स्टार खड़े को क्या वापसी कर पाएंगे देखना होगा। अच्छी शॉट लेकिन बेहतरीन यहाँ पर पंच आउट गोलकीपर बबलू सोरेन के द्वारा बिल्कुल जीते के बाद छलांग लगाकर बॉल तक पहुंचे और बॉल को नकाम करने में कामयाब हुई है। अभिमान विकास बॉल को देवा मुर्मू के लिए डाले। वेस्ट बंगाल के 2 खिलाड़ी, ओडिशा के 1 खिलाड़ी, झारखंड के 1 अवसर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े हैं माधी मातो भाई भाई टीम के लिए। और लक्ष्मण बॉल को आगे ले जाते हुए अभी भी लक्ष्मण सादर के कदम बॉल लेफ्ट फुटेड शॉट लेकिन ना तेल ना कड़ा ही मैदान में सही तरीके से खेल पाएंगे। एक मौका यादव के लिए अच्छी बॉल जरूर डाले यहाँ पर अच्छी कलेक्शन करने की कोशिश जहां तक बात की जाए टाइगर के द्वारा टाइगर का शॉट लेकिन ओवर बंगाल टाइगर यहाँ पर विकास संस्था का शानदार हेडर। फिलहाल मौका बाचर से 7 नंबर की खिलाड़ी यहाँ पर मुन्ना मुन्ना बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं फुटबॉल की दुनिया के मेरे को मुन्ना भाई के उपनाम से जाना जाता है। और अच्छा शॉट लेने की कोशिश लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गोल पोस्ट से बॉल बाहर जाता हुआ। अच्छे नंबर एफसी के खिलाड़ी टेक्निकल जोन में पहुंचे बहुत ही कम समय में। टीम के कोच मुकेश गिरी अपने टीम को रेडी